press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. जाइए, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। जाइए, ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है, 5000 वाली। हाँ, मदद कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे क्या करते हैं? देखते हैं, मामला फिट हो गया। मैंने इस लड़की को देखा, मेरे हटो हटो, मैंने इसे हथकड़ी पहनाई है, मुझे मिलने चाहिए। तो इन सबको मेरे पीछे तुमने लगा रखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? कहते हुए शर्म आती है। शर्म आती है और बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हो, आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? कहने वाले इसे जन्म जन्म का रिश्ता कहते हैं। जन्म जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म का रिश्ता, और वो भी तुमसे? अपनी शक्ल देखी आईने में, लंगूर कहीं का। हवादार खोलो इसे, खबर करो, जल्दी खोलो। अरे खोलता हूँ। आया बड़ा राजकुमार बनने। अजीब लड़की है, भाभी नाराज हो गई। इस आंधी और तूफान ने तो नाक में दम कर दिया है। जब तक ये तूफान थम ना जाए, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। क्यों सरस्वती जी? अरे आप तो ठंड से कांप रही हैं, आइए बैठिए, बैठिए ना, मैं जब तक आग जलाने का इंतजाम करता हूँ। बैठिए और देखिए, आप आग अच्छी तरह से सेकिएगा, वरना थोड़ी देर में आपको छींक आ जाएगी, फिर खांसी शुरू हो जाएगी, बुखार चढ़ने लगेगा, दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगेगा, और फिर धीरे धीरे बुखार आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा, और फिर मुझे निमोनिया हो जाएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? राजू, आज मेले में मेरी इज्जत बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? एक मर्द होकर एक औरत के सम्मान की रक्षा न कर सके तो उसका मर्द होकर जन्म लेना ही बेकार है। अरे आपके हाथ पे तो चोट लगी है। अरे ये तो कुछ नहीं है, जरा सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी। एक मिनट राजू जी, अभी तो एक मामूली सी खरोंच है, धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाएगा, नासूर हो जाएगा और फिर जहर फैलने लगेगा, और अगर जहर फैल गया तो मजबूरन आपका हाथ काटना पड़ेगा, और अगर आपका हाथ काटना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आप भी बड़ी वो हैं सरस्वती जी, आपने हमारी गोली हमी को खिला दी। प्यार ने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। हम अपनी जिंदगी की पहली रात इन रोशन सितारों में शुरू करेंगे, जिससे तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अंधेरे के लिए मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, शुरू कोई जगह नहीं। आज तुम्हारा राजू ना नहीं सुनेगा, मेरे पास आ जाओ। अरे क्या बात है राजू भैया, आज बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो, लगते हैं रात भर सोए नहीं। चलो तुम लोग बकबक बंद करो, अपना अपना काम करो। काम ही तो कर रही है। हाय दैया, राजू भैया आ गई तुम्हारी दुल्हनिया। राजू भैया, क्या जादू कर दिया है कि रात में जो बहुरा ने दिन में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ दी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम्हें जो कुछ भी कहना वहाँ झोपड़ी में चलकर कहो। चलो झोपड़ी में लेके जा रहे। देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो। सुन चुका हूँ। वही जो तुमने मेले में कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो किसी राजकुमार से, मुझ जैसे लंगूर से नहीं। अरे लेकिन सुरु, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैंने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की। क्यों नहीं की? अरे ये क्या कर रही हो? शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो आज ही मिलन हो जाने दो ना। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इन हरकतों से मैं पिघल जाऊंगा? अरे मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मान जाओ ना मेरे राजा। कभी नहीं। देखो जी, मुझे मेनका बनने पर मजबूर मत करो। देखो जी, मैं विश्वामित्र नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से पिघल जाऊंगा। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात है। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी ये सब कुछ करने से मुझे कुछ हो जाएगा? कुछ हो रहा है? नहीं। नहीं। हाँ। कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। हाँ हो रहा है। चले घर। क्यों? मुझे उनकी याद आ रही है। अरे सुन तो। राजू मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सुरु। जानवरों जैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी कोई मेरी मां के बारे में ऐसी वैसी बात करता है तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूं। सुरु, जो भी तुम्हें भला बुरा कहना मुझसे कह लो, लेकिन मेरी मां के बारे में कभी कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ये क्या हो गया? तुम पर हाथ उठाने की सजा दी है। मुझे माफ कर दो राजू, मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सुरु ये देखो मैं तुम्हारे लिए। अरे क्या ठोका पीटी कर रही हो, और वो भी इस हालत में। चलो नीचे उतरो। ये मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है? राज की बात है, पहले मुझे अपनी बाहों में उठाओ फिर बताऊंगी। ये लो। कहते हैं गर्भवती औरत की आंखों के सामने जिसका चेहरा हमेशा रहता है उसके होने वाले बच्चे का चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। सच? और इसीलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर लगाई है ताकि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे, और फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक नन्हा मुन्ना राजू पैदा हो। फिर तो तुम ये तस्वीर हटा ही दो और अपनी तस्वीर लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले लड़की होगी। जाओ जी, पहले लड़का होगा। मैं कह रहा हूँ ना, पहले लड़की होगी। लड़का होगा? लड़की होगी। ये क्या है?